टायर में जो आपको छोटा टायर दिख रहा है उसको आपको क्या करना है, टिक। अब यहां देखिए आपका है बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट मींस सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मींस सबसे छोटा, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट क्या सबसे बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट। और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट सबसे छोटा होगा तो उसे कहते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा, है ना। आपकी क्लास में भी होते हैं ना, कुछ बच्चों की हाइट काफी छोटी होती है, हम बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट है ना ये। अब आपका है टिक द स्मॉलेस्ट डे, तो ये हाँ। तो अब आपका है टिक द बिगेस्ट एनिमल, ये यहाँ पे आपको एनिमल दिख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है तो उसको आपको क्या करना है, टिक। टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, ये यहाँ पे आपके काफी सारे फ्रूट्स हैं, इसमें जो सबसे छोटा फ्रूट्स है, ठीक है, सबसे जो छोटा फ्रूट है उसको आपको क्या करना है, टिक। टिक द बिगेस्ट बबल, देखो यहाँ पे सारे बहुत सारे क्या है, बबल है, तो इस बबल में जो आपके बिगेस्ट बबल है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। तो ये आपका बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट हो गया। अब यहाँ है आपका टॉप और बॉटम, कौन से ऑब्जेक्ट यहाँ पे टॉप में है और कौन से ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपके बॉटम में, ठीक है। तो ये जैसे ये, और ये देखो ये बॉय है ना, ये टॉप में है इधर और ये बॉटम नीचे सबसे, ठीक है। और ये आपका बर्ड है, देखो बर्ड आपकी कहाँ है, टॉप मोस्ट में है ना, इधर टॉप में है, और ये कैट आपकी कहाँ है, बॉटम में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टिक द टॉप, टिक द पॉट ऑन द टॉप। तो बताइए आपको ये बताना है कि इस, ये यहाँ आपको टिक करना है कि कौन सा जो पॉट है वो टॉप में है, ठीक है। जो टॉप वाला होगा ना, जो पॉट टॉप में है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है। अब टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, इस स्टेयर्स मीन्स होता है सीढ़ी, इस सीढ़ी में जो बॉटम में जो आपका एनिमल है उसको आपको क्या करना है, टिक, ठीक है। अब आपका है नियर एंड फर्दर, नियरर का मीन्स पास में और फर्दर का मीन्स होता है दूर। टिक द बर्ड नियरर टू द होम, इसमें आपको वो बर्ड टिक करनी है जो होम, ये जो होम है उसके नियरर है, नियरर मतलब पास में है, ठीक है। टिक द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री, इसमें आपको टिक करना है कि कौन सी कैट है जो ट्री से क्या है, फर्दर है, मतलब दूर है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो कैट है इसमें जो दूर है ना, ट्री से जो ज्यादा दूर है उसमें आपको क्या करना है, टिक करना है। अब है नियरेस्ट और फर्दस्ट, नियरेस्ट जैसे हमारा स्मॉलेस्ट था ना, बिगेस्ट था, ऐसे हमारा नहीं, नियरेस्ट मतलब जो सबसे पास है, और फर्दस्ट में क्या कमी है, जो सबसे दूर है। तो यहाँ देखो ये आपको स्विंग है, तो झूला है ना, आप जो तो इसमें आपको क्या है, देखो इस स्विंग के सबसे पास ये बॉय है, तो ये क्या है आपका नियरेस्ट, इस स्विंग के सबसे नियरेस्ट, नियरेस्ट टू द स्विंग, ठीक है। अब फार्देस्ट फ्रॉम द स्विंग, इस स्विंग से सबसे दूर कौन है, देखो ये टू गर्ल है, बट ये टू गर्ल इतनी दूर नहीं है ना, ये है सबसे ज्यादा दूर, तो ये है आपकी फार्देस्ट। अब आपका टिक द पपी फार्देस्ट फ्रॉम द ट्री, आपको वो पपी टिक करना है जो ट्री से सबसे दूर है, ठीक है। टिक द नियरेस्ट टू द बर्ड, टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, जो ट्री बर्ड के सबसे पास है उसका आपको क्या करना है, टिक। तो ये है आपका टू डेज का वर्क, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ बुक में ही फिनिश करना है, पेज नंबर आपका है यहाँ पेज नंबर 3 to 7, तो ये आपका है CW, ठीक है। और HW में आपको करना है ये आपने अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट करें, पेज नंबर 15 ये मैचेस करने हैं आपको शेप्स, पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17, ये 3 पेजेस आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है मैचेस, और यहाँ भी सेम है मैचेस, और यहाँ आपको कलरिंग करनी है, कलर द स्मॉलेस्ट शेप, जो सबसे छोटा शेप है उसको आपको कलर करना है, 3 पेजेस, ठीक है, बुक में ही करना है। तो ये आपका